चलिए टाइगर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और टाइगर के पिक्चर के साथ आनंद भी लेंगे। इसमें कुछ कहानी बताएंगे और आप उसकी पिक्चर को देखिए, आनंद लीजिए। इसमें क्या है कि रॉयल बंगाल टाइगर का नाम आप सुने होंगे, वो बाघ है, या बाघ जो भारत का राष्ट्रीय पशु हम लोग भारत का है, ताकत से मिलते हैं, मतलब सम्मान जो हम दिए देते हैं टाइगर को, उनकी ताकत से देखते हुए दिए हैं। उनकी एक दहाड़ पूरे जंगल को थर्रा देता है, समझे। उनकी प्रजाति इतनी ताकतवर होती है कि अकेले पूरे जंगल के जानवरों से मुकाबला कर सकता है। ऐसे में जो है आपको उनकी ताकत का मान लग गया होगा। चलिए चलिए, खैर चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में बताते हैं, इस जंगल के बारे में बताते हैं कि क्या है इस टाइगर, बंगाल टाइगर या टाइगर के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या है बंगाल टाइगर, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। एक चीज़ आप ध्यान रखे होंगे, बंगाल टाइगर की प्रजाति भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, म्यांमार और दक्षिण तिब्बत के तराई वाले जंगलों में पाई जाती है। वह अगर भारत की बात करें, तो वह यह बंगाल का सुंदरबन जंगल का ज़्यादा पाया जाता है। सुंदरबन जंगल जो है ना बंगाल में, वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि जंगल कटने और बढ़ते शिकारी के कारण खतरे में है टाइगर, लेकिन अब सरकार की तरफ से उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सोचिए, बंगाल टाइगर की पावर बहुत लोगों को पता नहीं। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के समय सुंदरबन में ब्रिटिश शाही के परिवार वालों ने एक बंगाल टाइगर का शिकार किया था। उसी समय से इन सभी बाघों का रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाने लगा। उसके बाद से ही इन्हें सभी बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से कहते हैं। समझ गए, इतने फेमस थे। आपको एक चीज़ और बता दूं, बंगाल टाइगर का दहाड़ क्यों मशहूर है, इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, लेकिन दहाड़ सुन लीजिए। बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं कि एक दहाड़ करीब 4 किलोमीटर तक गूंज सकती है। 4 किलोमीटर, यही कारण है कि इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है। ऐसे आप तो शेर के बारे में सुनेंगे, लेकिन बंगाल में टाइगर को कहते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल टाइगर फोरम के मुताबिक दुनिया की करीब 70% बाघ भारत में ही पाई जाती है, ये जान लीजिए। उसकी 4 किलोमीटर की दहाड़ से इतना डरते हैं लोग। और आपको पता होना चाहिए बंगाल में, मतलब जो भारत में टाइगरों का प्रकार कितना है, पता है आपको? तो याद रखिएगा, वाइट टाइगर 5 प्रकार का है, गोल्डन बंगाल टाइगर, ब्लैक बंगाल टाइगर, स्नो ब्लैक टाइगर और दलदली बाघ टाइगर। ये 5 टाइगर जो है ना, हमारे भारत का शान है मेरे दोस्त। इसकी बारे में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह मैं सभी जानवरों का जानकारी देता रहूँगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2.0 पे। जय हिंद, जय भारत। पे क्या कंगारू होते कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या आकार इनका क्या है, कितने प्रकार के प्रजाति होते हैं कंगारू, चलिए सबके बारे में जानकारी लेंगे। तो याद रखिएगा, कंगारू एक प्रकार का जानवर है, ये आप याद रखें, जानवर की कैटेगरी में आता है। केवल ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के सिवा ये कंगारू कोई दुनिया में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रोचक कहानी क्या है, कि पूंछ जो है ना लंबी और मोटी होती है, समझे। और सीप जो है उनका, जो कंगारू का शर जो होता है वो पतला होता है, ठीक है, ऊपर भी पतला हो जाता है। और याद रखना, उसका जो पिछली टांग होता है बहुत ही मजबूत और लंबा होता है, और आगे का जो है वो एक तरह से जो टांग है आगे का, वो समझिए ये दोनों हाथ हाथ के बराबर है, ऐसे ध्यान रखेगा। और इस कंगारू को कहा जाता है क्या, धानी प्राणी। क्या कहा जाता है? धानी प्राणी। क्यों? क्योंकि ये इसके पेट में जो बच्चे रखने का थैली बनाया ना, इसके कारण से धानी प्राणी होते हैं, समझे। चलिए कंगारू के आकार के बारे में भी देखते चलिए, जो है आकार, इस पर जितने भी पिक्चर में आप देख रहे हैं सब चीज़ों के, मैं पिक्चर आपको दिखाते जाऊँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। कंगारू का आकार जो है सबसे, लाल कंगारू का सबसे बड़ा प्रजाति होता है, ये सबसे बड़ी बात है। एक लाल कंगारू होता है जिसका सबसे बड़ी प्रजाति होता है, जिसके सींग से लेकर पिछले हिस्से तक का लंबाई 3 से 5.5 फीट तक होता है, याद रखिएगा। और उसकी पूंछ की लंबाई जो है ना 2 से 3 फीट की बढ़ोतरी होती रहती है, बढ़ोतरी देती रहती है, मतलब बढ़ते रहती है। लाल कंगारू का औसत वजन पता है 90 किलो का होता है, लाल कंगारू का, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा कंगारू को हम लोग क्या पता क्या कहते हैं, मस्की रैट कंगारू कहते हैं, मतलब चूहे जैसी प्रक्रिया जो जैसा लगता है, उसे दुनिया का सबसे छोटा कंगारू कहते हैं, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि जिसकी लंबाई 6 से 8 इंची होते हैं, याद रखिएगा। इसकी पूंछ जो है लंबाई 5 से 6 इंच की बढ़ोतरी कर देता है, मतलब सोचिए। और इसका जो औसतन वजन है लगभग 350 ग्राम होता है, जो सबसे छोटा है, और जो सबसे ज़्यादा है उसका 90 किलो होता है, याद रखिएगा। वही लाल कंगारू का इसका निवास स्थान कहाँ, तो आपको बताया था कि निवास स्थान इसका ऑस्ट्रेलिया में है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, तो आगे याद रखिए, इसकी प्रजाति जो है 21 प्रजाति है, कई प्रजाति है। और पता है कितनी जातियों में, 198 जातियों में इसे अभी तक नहीं खोजा गया है, याद रखिएगा। इसकी प्रजाति में 198 जातियाँ खोजी गई है, लेकिन उपजातियाँ भी शामिल है इसमें। हर प्रजाति का रहने रहने का जो कंगारू का होता है ना, वो अलग अलग होता है। जैसे मस्की रैट जो है ऑस्ट्रेलिया का क्यूंसलैंड में जो है ना, क्यूंसलैंड में एक वर्षा बने वहाँ रहती है, जमीन में वो भी घोषणा बना के रहता है, ठीक है। और दूसरा जो ये आप जो देख रहे हैं ग्रे करके जो कंगारू बड़े बड़े देख रहे हैं, ये सब जो कंगारू होता है ना, वो बहुत ही जंगल में रहना पसंद करते हैं, और तस्मीनिया के जंगल में, ऑस्ट्रेलिया का तस्मीनिया जो जगह है ना, वहाँ रहते हैं, ठीक है। और भी जानवर हैं, जैसे ट्री कंगारू कहते हैं, एंटी लोपिंग कंगारू भी कहते हैं, जैसे कंगारू के, चलिए कंगारू के व्यवहार के बारे में जानते हैं, कंगारू है कैसा। तो याद रखिए, कंगारू एक लौता बड़े जानवर हैं जो कूद कर चलते हैं, ऐसा जानवर है जो कूदता है,
सिर्फ खुद के चलता है, याद रखिएगा, वो भी बैठे नहीं, इसके पिछले काम इन्हें ऐसा करने में सहायता करता है, छलने में सहायता करता है, याद रखिएगा। अकंगारू जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार में 15 फुट असल में मस्ती के साथ करते हैं। भालू के बारे में दिलचस्प जानकारी रखें, भाला जानकारी आपके सामने देखिए कि दुनिया भर में ये भालू जो होते हैं ना 8 प्रजाति के होते हैं, सभी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है कि कहाँ मिलते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि एशिया में मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मिलता है तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में मिलता है, समझ गए। और इस भालू का खासियत क्या है कि बहुत धीमी और आलसी भी होता है, समझ गए, और अलग अलग तरह का, अलग अलग क्षेत्र का, अलग अलग तरीके से अपना भालू जीवित जीते हैं। आगे भालू का अक्सर जो है ना एक नाम है, उसका नाम है रिच्छ, रिच्छ के नाम से उसे हम लोग पुकारते हैं, कहते हैं, ठीक है, रिच्छ भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्तनधारी भालू और जो मतलब फीमेल और मेल भालू में बहुत अंतर होते हैं, आकार में भी, साइज में भी, और कहिए कि वजन में भी सम होते हैं, याद रखिएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है ना, भालू की जो 8 प्रजातियाँ होती है ना, ध्रुवीय भालू जो है ना, एक तरह से जो ध्रुवीय भालू है वो मांसाहारी होता है, याद रखिएगा। जो पांडा आप देखते हैं, जायंट पांडा जो है वो बांस खाता है, समझ गया, बांस का पेड़ का खाता है, ठीक है। जो ब्राउन कलर का या जो भी आप और कोई भालू देखते हैं, वो जो आप देख रहे हैं वो जो है दोनों है, सर्वाहारी है, ठीक है, मांस भी खा लेता है और मतलब शाकाहारी भी खा लेता है। इसका भालू का वैज्ञानिक नाम आपको पता है, वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छा है, और सीडे नाम है इनका, ठीक है। अब भालू का जो जीवन काल होता है ना, कहीं कहीं 25 साल, कहीं कहीं 30 साल होता है, ये बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, कि जब ये कैद होता है ना, मतलब चिड़ियाघर में रहता है, तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, 50 साल से दुगना हो जाता है, 25 से 50 हो जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता होगा, सवाल उठता है कि नहीं। लेकिन वहाँ क्या है कि उनके वातावरण के अनुसार क्या है कि उनके भोजन को चेंज हो जाता है, सबसे बड़ी बात है कि उनके जीने का सहारा लंबा हो जाता है। भालू की वजन जो है आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, 27 किलो से 700 किलो तक जो है ना हो सकता है, सोचिए 27 से 700 किलो, सोचिए कितना बात है। भालू की ऊंचाई लगभग जानते हैं 1 से 3 मीटर ऊंची के बीच होता है, याद रखिए। भालू के 8 प्रजातियों का नाम चलिए आप बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, काला भालू जो होता है एशियाई भालू होता है, काला भालू, ब्लैक बियर, ठीक है, सारे पिक्चर नहीं है इसमें, जो जो इंपॉर्टेंट है वो देंगे और पिक्चर लगा देंगे, और पोलर बियर को हम बाद में लगाएंगे जो कि आपको सफेद वाले होते हैं। देखिए एशिया काला भालू होता है, ब्लैक बियर होता है, याद रखिए, ब्लैक बियर भालू का नाम है, भूरा भालू होता है, जायंट पांडा जो उसको बड़े बांस खाता है, पोलर बियर जो कि सफेद होता है, स्लोथ जो पेड़ पर लटका रहता है, पेड़ पर सोता ही ऊपर खड़ जाता है, ठीक है। एक बियर जो है एस्पेक्टल बियर है मतलब भालू है, याद रखिएगा। असन भालू जो है बहुत ही अजीब होता है, ठीक है, तो ये सब बारे में आप जानते हैं। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि सबका अलग अलग है, मतलब जो बर्फीली एरिया में रहते हैं पोलर बियर, वो जो है ना समुद्री एरिया का जो है स्तन पानी मानते हैं, और समुद्र के कीड़े मकोड़ों पे भी निर्भर रहते हैं, एक तरह से ही जान लीजिए। और सबसे बुद्धिमान जानवर जो है ना कहा जाता है, याद रखिए, जो उत्तरी अमेरिका का जो है भालू है, सबसे बुद्धिमान जानवर के रूप में जाना जाता है, भालू है, समझ जाइए, ऐसा कहानी है इसका। और कहानी बहुत सारी कहानी है कि क्या खाते हैं, तो खाने का तो अलग अलग सबका तरीका है, समझ जाइए। ब्राउन भालू का जो है अलग अलग है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहना बहुत कम पसंद करते हैं कोई, और जो पोलर भालू है वो भी अकेले और झुंड में कभी कभी जाते हैं, दोनों चीज़ में रहते हैं। पेड़ पर चढ़ना सभी भालू के बस की बात नहीं है, सभी भालू में कुछ भालू जो है पेड़ पर चढ़ना आसानी से चढ़ जाते हैं, जैसे ये जो सफ़ेद वाले भालू हैं वो नहीं चढ़ सकते, लेकिन ब्राउन वाले या ब्लैक वाले भालू जो चढ़ जाते हैं हम लोग चढ़ने में देरी नहीं करते। और सूंघने की क्षमता जो है ना भालू की सबसे ज़्यादा है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर आपको मतलब कहने का मतलब 32 किलोमीटर दूर से ही आपको दंत को पकड़ लेगा, अपने मांस को, अपने खाने की चीज़ को। और जो छोटा वाला जो भालू होते हैं ना वो हनी खाते हैं, जैसे सन वियर जो है ज़्यादातर हनी का पसंद करते हैं। चलिए आज के लिए छोटा सा इतना ही, अच्छा लगेगा तो आगे बड़ा बड़ा वीडियो डालूंगा, बस आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक करें।